अच्छा सबसे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन में आंसर दीजिए। सपोज कीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं और वो गेस्ट जाते समय आपको 2000 का नोट देके जाते हैं। वैसे 2000 का नोट कोई नहीं देता है, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं और जाते समय उन्होंने आपको 2000 का नोट दिया है, उस समय आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, और कैसी फीलिंग आती है। सेम यही फीलिंग है कि यूट्यूबर को उस दिन आती है जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में यूट्यूब की तरफ से पहली कमाई ट्रांसफ़र होती है। और दोस्तों उस यूट्यूबर को वो दिन देखने के लिए कई महीनों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल कर आता है कि एक यूट्यूबर यूट्यूब से किस तरह पैसा कमाता है और उसकी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से कब आती है और कैसे बैंक अकाउंट में आती है। दोस्तों मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं और जब हमारे बैंक अकाउंट में पहली बार पैसे आते हैं तो वहाँ से लेकर वहाँ तक हमें कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारे पैसे सही सलामत आ जाए। दोस्तों जब मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से आई थी मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी एडसेंस अकाउंट में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है तो आप आज नहीं तो कल यूट्यूब पर आने वाले हैं और यूट्यूब पर वीडियो जरूर बनाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देख लेना। और वैसे भी एक आम आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि एक यूट्यूबर यूट्यूब से कैसे पैसा कमाता है और उसके बैंक अकाउंट में कैसे पैसे आते हैं। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहीं से आपको बताना स्टार्ट कर दूं कि कैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है या किसी भी एक यूट्यूबर के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। देखो दोस्तों यूट्यूब पे कौन क्या बताया उसका मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि शुरू से लेके जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जब मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ, वहाँ से स्विफ्ट कोड जब मैं बैंक में लेने गया और वहाँ से एडसेंस अकाउंट और वहाँ से मेरा बैंक अकाउंट, क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे कैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आपको सबसे पहले मोनेटाइजेशन इनेबल करना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर, और उसके लिए आपको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। इसको मैंने 4 या 5 महीने के अंदर ही मैंने कंप्लीट कर दिया था और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी। लगभग एक यूट्यूबर मतलब जितना वीडियो अपलोड करता है उससे मैंने कहीं डबल वीडियो अपलोड कर दी थी सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन इनेबल होने के लिए। ठीक है, मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था यहाँ पे, जब यूट्यूब पे पास किया था मेरा चैनल तो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल अच्छे से मेरा मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया था। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे हुई कि जैसे ही कुछ दिन हुए मोनेटाइजेशन के, वैसे ही मैंने खुद गलती कर ली थी और यूट्यूब में जाकर एक सेक्शन होता है मोनेटाइजेशन लेफ्ट का, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया था और मेरा मोनेटाइजेशन फिर से डिसेबल हो गया था। लेकिन फिर से मैं वहाँ पे गया यूट्यूब में और फिर से मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल किया और फिर मेरा एक महीने के बाद मेरा मोनेटाइजेशन फिर से इनेबल हो गया। यहाँ तक ठीक था, मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था। अब मुझे करना क्या था, मुझे अपने एडसेंस अकाउंट में $10 बनाने थे किसी भी तरह ताकि मेरे घर पे एक वेरिफिकेशन पिन आ सके। अब वहाँ पे क्या होता था, जैसे ही मेरे नया नया में मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था वैसे ही जैसे ही मेरे एडसेंस अकाउंट में $7 होते हैं $8 होते हैं वैसे ही मेरा पैसे कट जाते हैं एडसेंस अकाउंट से, नहीं मेरे YT स्टूडियो से। जैसे ही मेरे $10 होने ही वाले होते हैं वैसे ही मेरे सारे डॉलर कट हो जाते थे। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी ये सारे पैसे कट कैसे गए हैं, और ये लगभग मेरे साथ पता नहीं 5-6 से ज़्यादा बार ही कट हो गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी थी लेकिन मुझे कोई सलूशन नहीं मिला था और कई बार मेरे पैसे कटे थे। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब मेरे YT स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो गए और $10 कंप्लीट होने के बाद मेरे एडसेंस अकाउंट में भी $10 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि YT स्टूडियो में जो आपको पैसे दिखाते हैं वो आपका फिक्स नहीं होता, वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आप सभी लोग एडसेंस अकाउंट में जाकर चेक कीजिए अपना पेमेंट यूट्यूब की तरफ से जो आता है। तो मैं वहाँ जाकर चेक किया तो वहाँ मेरे $10 कंप्लीट हो चुके थे और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे घर पे एक वेरिफिकेशन पिन आने वाला था। और इसके लिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, 4 से 5 दिन मतलब एक हफ्ते के अंदर में ही मेरे घर पे एक वेरिफिकेशन पिन आ गया था जो कोड मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में डाल दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे आपको पता है कि एडसेंस अकाउंट में आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। मैं बैंक का इन्फॉर्मेशन डालने गया तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्विफ्ट कोड का, स्विफ्ट कोड का जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी स्विफ्ट कोड क्या होता है, इससे कहाँ से मिलता है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी जहाँ पे मुझे बताया गया कि आप बैंक जाओ और वहाँ से आप अपना स्विफ्ट कोड लेके आओ। मैं गया बैंक और वहाँ पे मैंने मैनेजर से बोला, मतलब सबसे पहले मैं एम्प्लॉय के पास गया जो वहाँ पे पैसे कलेक्ट करते हैं, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। वो मुझे ऐसे करके घूमगा, क्या कौन सा कोड,
उनको ये नहीं पता स्विफ्ट कोड क्या होता है। मैंने कई सारे वहाँ पे एम्प्लॉयर से पूछा स्विफ्ट कोड दे दो स्विफ्ट कोड दे दो, किसी को नहीं पता स्विफ्ट कोड क्या होता है। मतलब मैं स्विफ्ट कोड के लिए कम से कम एक हफ्ते तक मैं अपने बैंक अकाउंट में चक्कर मारता गया और उसके बाद मैनेजर से मेरी बात हुई, क्योंकि मैनेजर उस दिन से आ नहीं गए थे। एक हफ्ते बाद मैनेजर बैंक में एंट्री किए और मैंने बैंक मैनेजर के पास जाके बोला कि सर मुझे एक स्विफ्ट कोड चाहिए, मेरी इंटरनेशनल पेमेंट आती है यूट्यूब की तरफ से और मुझे वहाँ पर डालना है। वो मैनेजर मुझे ऐसे देख रहा है, भाई तुम कौन सा काम करते हो, माय इंटरनेशनल पेमेंट कैसे आ गया, मुझे प्रूफ दिखाओ। फिर मैंने उसको यूट्यूब खोला, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने दिखाई, तब जाके उसने बोला मुझे कि आप एक लेटर लिख के दो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आप ये लेटर आपको दिखा सके। मैंने एक लेटर लिख के दिया, मुझे लेटर लिखना नहीं आता था, मैंने गूगल से छाप दिया और मैंने उसको मतलब लेटर लिख के दे दिया। फिर उसने मुझे स्विफ्ट कोड दिया, वो स्विफ्ट कोड मैंने एक हफ्ते के बाद मैंने एडसेंस अकाउंट में डाला और उसके बाद वहाँ पे मेरा वेरीफाई हो गया, एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, सब कुछ मेरा लगभग वेरीफाई हो गया। और फिर उसके बाद करना क्या था, मुझे $100 कंप्लीट करने थे फर्स्ट पेमेंट आने के लिए, और ये मेरा $100 मेरे लगभग 2 महीने 16 दिन में कंप्लीट हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होते हैं आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो ये मुझे $100 कंप्लीट करने में मुझे लगभग 2 महीने 16 दिन यानी कि 2.5 महीने लग गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जब मेरी पहली पेमेंट आई मेरे बैंक अकाउंट में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा नहीं 7-7.5 हज़ार रुपये आई थी। लेकिन हाँ, पहली पेमेंट जो आती है ना, मैंने जैसा बताया कि जो गेस्ट आपको 2000 का नोट देके जाते हैं, सेम वही फीलिंग आ गई थी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। मुझे बस प्रॉब्लम वहीं पे आई कि मेरे को स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा था जल्दी से, और एक बार तो मैंने खुद ही अपनी गलती मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया था। लेकिन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है और आपके मोनेटाइजेशन अभी भी इनेबल हुआ है तो आपकी जो अर्निंग है बहुत बार कट होगी, पता नहीं क्यों कट होती है, यूट्यूब नहीं बताता हमें, और मेरी तो बहुत बार कट होगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन हाँ, फाइनली मेरे $10 कंप्लीट हुए, वेरीफिकेशन पिन आया, मोनेटाइजेशन मतलब सब कुछ हो गया, एडसेंस अकाउंट में सब कुछ काम हो गया, और उसके बाद से मुझे ये प्रोसीजर दोबारा कभी नहीं करना पड़ा। जैसे मेरे $100 होते हैं मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था और ऐसे ही मेरे फर्स्ट पेमेंट आई थी मेरे बैंक अकाउंट में, और सारा प्रोसीजर मतलब एक बहुत डरावना सपना की तरह था। और जितनी प्रॉब्लम मुझे मोनेटाइजेशन इनेबल कराने में नहीं होता उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यकीन मानिए मुझे स्विफ्ट कोड लेने में मुझे हुई थी। मतलब मोनेटाइजेशन तो फिर भी एक 4-4 घंटे वॉच टाइम कर लो, 1000 सब्सक्राइबर कर लो हो जाते हैं, लेकिन स्विफ्ट कोड लेने के लिए ना मुझे मतलब समझ लो कि मुझे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलता है। अब मेरी पेमेंट जो होती है बहुत आसानी से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है। दोस्तों, अगर भी यूट्यूबर हो या फिर आप फ्यूचर में यूट्यूब पर आना चाहते हो तो ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और इस नॉलेज को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा तो स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है और स्विफ्ट कोड आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। लेकिन मैं बैंक में गया और बैंक में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यही मेरा जर्नी था एडसेंस अकाउंट से लेके और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था वहाँ से लेके मेरी फर्स्ट पेमेंट तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो बस जब तक के लिए मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।